तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जनरली ये जो क्वेश्चन है, अगर कहता है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? आई होप कि आपको पता होगा कन्वर्जिंग लेंस ये वाला होता है, ठीक ना। इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ से जो भी बीम जाएगी वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये तो मोनोक्रोमेटिक है ना, ये तो सिंगल वेव लेंथ की है, अलग अलग वेव लेंथ की जाएगी। अगर यहाँ से वाइड जाएगी, ठीक है ना, तो वाइड जाएगी तो सबसे जो कम है वो कौन सा डेविएट होता है? रेड। सबसे ज़्यादा वायलेट। तो अगर यहाँ से मैं वाइड भेजूँ, यहाँ से मैं ये वाली राइट वाइट भेजूँ, तो जो सबसे कम डेविएट होगी वो रेड होगी। तो ये रेड होगी और ये वायलेट होगी, सबसे ज़्यादा डेविएट होगी बीच में। तो इन सभी का जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग है। देख रहे हो, रेड की जो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग के लिए दिया है, फोकल लेंथ ऑफ रेड यहाँ से दैट इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। क्यों? क्योंकि जो डाइवर्ज होती है, सबसे कम डाइवर्ज अपने पाथ से जाना चाहेगी भाई रेड। ये एंगल देख रहे हो, दूसरे कलर से बनाता हूँ तुम्हें फील आएगा। तुम बिना फार्मूले के भी कर सकते हो यार, कई तरीके से कर सकते हो, ये फिजिक्स है, यही तो खास बात है फिजिक्स की। देखो यार, मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। इस साल अभी देखो कितना बज रहा है, 3:30 हो रहा है यार। देखो मेरा OBS काम करना बंद कर दिया, रीस्टार्ट होगा तो अभी 3:30 बज रहा है और मैं सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों के लिए जो है IIT नीट मेंस एडवांस सभी के सोलूशन और थियरी अपलोड करने हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो भी इसको स्टार्ट होने दो, क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ देखो, चलो तो यहाँ से तुम देखो, ये यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ से तो ये जो सबसे कम डेविएट होती है वो अपना रेड होती है। तो रेड जो है वो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल सबसे कम होगा, और ये डेविएशन डेल सबसे ज़्यादा होगा वायलेट के लिए, रेड के लिए कम होगा। रेड अपने पाथ से ही जाना पसंद करेगी। समझ में आ गया कुछ? तो यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है ना। तो ये वाली फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। तो ये तो रहा भाई, ये फर्स्ट मेथड, ठीक ना। कई मेथड हैं यार फिजिक्स से, फिजिक्स को क्वेश्चन करने के कई मेथड हैं, क्योंकि यार बुक का सलूशन नहीं है ना, मैं छाप रहा हूँ। तो ये मैंने मेहनत से 10 साल, आप देखो सुबह मुझे 4 बज रहा है, सुबह मुझे 3 लगभग क्लास लेनी है। तो मेरे वो भी इंडिया के अच्छे ब्रांड में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ से तुम देखोगे सेकेंड मेथड अगर तुम देखोगे, तो तुम कॉची इक्वेशन यूज कर सकते हो। कॉची, यहाँ से कॉची इक्वेशन क्या होता है? तो कॉची इक्वेशन आप पढ़े होगे कि लैम्डा जो होती है वो वेव लेंथ, ठीक है ना, वेव लेंथ आप पढ़े होगे लैम्डा ए प्लस बी, यहाँ से सॉरी लैम्डा नहीं यार, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस लैम्डा की पावर 4 और फिर 6 एंड डॉट 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 ऐसे चला जाता है। तो म्यू मस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी घटेगी। और अगर आप बिबिग्योर पढ़े हो, यहाँ से बिबिग्योर पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि आप इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर म्यू की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होगी, तो अभी मुझे फोकल लेंथ भी तो निकालना है, तो लेंस फार्मूला यूज कर दो। तो 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू यहाँ से म्यू माइनस 1/R1 - 1/R2 का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, और म्यू माइनस 1 में एक कांस्टेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, वो नंबर जो आएगा एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से इधर जाओगे तो म्यू की वैल्यू कम हो रही तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब फोकल लेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया, जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका फोकल लेंथ भी अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ वायलेट कलर की जो
वो जो वायलेट का है वो रेड की फोकल लेंथ अधिक होगी क्योंकि उसका लैम्डा अधिक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत हो गया, कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना। चलो, थैंक यू।